हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है। नमस्कार, मैं मदन लाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। जयपुर के हाथोद ग्राम सड़क उद्घाटन को लेकर के जबरदस्त हंगामा। मंत्री मोदी को बिना फीता काटे वापिस जाना पड़ सकता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हाँ, इस समय हम पहुंच चुके हैं झोटवाड़ा से, जो जोबनेर को मेगा हाईवे जाता है, उस मेगा हाईवे के किनारे एक कस्बा है जो ग्राम पंचायत है हाथोज। हाथोज के अंदर यहाँ एक खंडाका हॉस्पिटल है। वहाँ हॉस्पिटल से एक उत्तर दिशा के अंदर गौरवपथ एक रोड बनी है। यहाँ के कुछ वासिंदे हमारे साथ हैं, यहाँ के वार्ड पंच हमारे साथ हैं, यहाँ के इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ एक हंगामा हो रहा है, वही गौरवपथ कार्य चल रहा है, इसका कुछ विरोध कर रहे हैं, जो इस उद्घाटन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि मैटर क्या है, मामला क्या। हाँ सर, अपना परिचय दें पहले तो। सर, मैं हरिनारायण जाट बोल रहा हूँ, स्थानीय ग्राम पंचायत का वार्ड पंच हूँ मैं जी। और हमने ये टाटी बोला साहब, जब इस गौरवपथ का उद्घाटन किया जा रहा है तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका नाम नहीं दिया गया। जो पंचायत समिति सदस्य हैं, स्थानीय पंचायत के प्रधान जी है, उप सरपंच साहब है, उनका नाम किसी नाम नहीं दिया गया। और जो जनप्रतिनिधि नहीं है उनका यहाँ पर नाम दिया जा रहा है साहब। नहीं सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये गौरवपथ जो बना, इसका काम है अभी पूर्ण नहीं हुआ, इसमें अपूर्ण है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अपूर्ण है साहब, हमने इसको कई बार ठेकेदार से संपर्क किया, आईएन साहब से हमने संपर्क किया, तो ये बोले साहब ये तो ऐसे बनेगी, आपका कोई लेना नहीं है इसमें, स्थानीय पंचायत कोई लेना नहीं है, ये राजस्थान सरकार जी बन रही है। तो हम भी बोले राजस्थान सरकार जी पार्ट है पंचायत राज, राजस्थान से अलग नहीं है जी, ये भी पंचायत राज भी एक राजस्थान सरकार का पार्ट है। और जब हमारी सुनते नहीं है, अरे ये कहते हैं सरपंचों हमको जानते नहीं है, वार्ड पंचों हम जानते नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमें ऊपर से निर्देश मिले हैं उसी निर्देश से काम होता है यहाँ पर। अपूर्ण रहे या टूटे फूटे उससे हमारा कोई लेना नहीं है। और नए नाले बनी रही है, अब जो यहाँ पर आप देखो, जो हमने आईएन साहब से प्रचार जी बोला इस नाली का पानी किधर जाएगा, तो ये कहते हैं ये मंत्री जी से पूछो, वो बताएंगे, मंत्री जी बताएंगे इसके बारे में, हमें पता नहीं है। जाइए नहीं, जो बना दिया ऊपर से आदेश है वही आदेश चलेगा। नहीं, उनको आपने पूछा नहीं कौन से मंत्री जी बताएंगे? तो ये कहते हैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनसे संपर्क हो साहब। तो बोला पीडब्ल्यूडी मंत्री ले डोरोपति राजस्थान सरकार में हर ग्राम पंचायत रोडे बन रही है, तो कितने लोड वहाँ जाके रहे होंगे इस बारे में? भाई स्थानीय शासन है वो इसलिए बनाया जाता है कि उन्हें निगरानी रखे, उसका ध्यान रखे, उसके बारे में विचार विमर्श करे, इसके बारे में किया जाता है। थैंक यू सर, आगे बात करते हैं। हाँ सर, अपना परिचय दें पहले तो। हाँ सर, मैं रामस्वरूप गुजर बोल रहा हूँ जी, और यहाँ से इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ जी। और ये रोड बन रही थी हमारे गौरवपथ से जी, तो इसमें क्या है, ये रोड तो बना दी ठेकेदार जी ने, और कई चार तीन चार महीने से ये ऐसे खड्डे ही पड़े हैं। ठेकेदार जी को हमने कई बार अवगत करा दिया साहब, इसमें नालियाँ बनाओ, ये मिट्टी डालो, मोरम डालो इस पर, लेकिन अभी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज मंत्री जी पट्टी लगा दिए हैं, भाई मंत्री जी उद्घाटन करने आ रही है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं साहब। पहले काम कंप्लीट कराओ, इसके बाद में इसका उद्घाटन करवाओ। नहीं सर, सुनने में यही आ रहा है कि जो ये पट्टी लगाई गई है, जो यहाँ उद्घाटन कर आ रहे हैं, जो उनसे करवाया जा रहा है, जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी कोई मैटर है क्या? ऐसा भी साहब, ऐसा भी साहब, प्रधान जी हैं वो रामस्वरूप जी, जो यहाँ के नगर बहुत है अध्यक्ष हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है, बाकी के हम जानते ही नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ के, प्रधान जी का भी नहीं है साहब हमारे। हाँ सर, अपना परिचय दें। मैं बैराम जाट बोल रहा हूँ सर। हमें यहाँ मंत्री जी से कोई दिक्कत नहीं है, रोड भी बनवाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा काम होने से पहले हम 5 दिन से यहाँ कह रहे हैं कि इसको काम कंप्लीट करा दो, कि जिसमें भैया उद्घाटन होगा और उसके बाद में कोई काम नहीं होगा यहाँ पे, आपके जाने जो कर लो, और आप उद्घाटन को रोक के बता लो, मंत्री जी से आप बात नहीं कर सकते, और ये पट्टी लगा दी जो हमने लगा दी, इस पट्टी में आप दादा की बाप दादू की कोई वो नहीं है, और पट्टी में हमने कहा है भाई जनप्रतिनिधि हम जिनको जानते नहीं, हमारी ये रोड बनाई है, मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे यहाँ रोड के लिए पैसे पास किए, लेकिन यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि के नाम नहीं है, तो हम भी नाराज़ है, क्योंकि हमारे पास वोट मांगने वो आए थे, हमारा काम उन्होंने करवाया, धन्यवाद हम मंत्री जी को भी देना चाहते हैं, लेकिन उनका भी नाम होना चाहिए, लेकिन हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी रोड का काम तो होना चाहिए। नालियों के लिए कहते हैं तो नालियाँ के कैंसिल है, कोई मतलब नहीं है, नालियाँ पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है, यानी ये रोड बनी बनी बिना बना बनाई हुई है। हाँ जी, ये देखिए आप कि यहाँ मंत्री जी राजपाल सिंह जी कुछ ही समय के बाद में पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर्दा लगा हुआ पट्टी के सामने, यहाँ के जो वासिंदे हैं, इस गौरवपथ का जो कार्य अधूरा पड़ा है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। देखते हैं कि कुछ समय के बाद में जो राजपाल सिंह जी यहाँ के विधायक हैं वो आते हैं, उसके बाद में यहाँ क्या मामला होता है। उप सरपंच साहब भी शहीद हमारे साथ में थे, यहाँ उनसे भी बात करते हैं। उप सरपंच साहब बता रही है आप,
उप सरपंच महोदय भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, सर नमस्कार। ये कुछ लोग हैं गांव के, ये जो वासिंदे हैं, ये गौरव पथ का कार्य अधूरा पड़ा है और जो स्थानीय जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका उन पट्टी पे नाम नहीं है, ये क्या मैटर है सर? सर पहले तो रोड का काम पूरा होना चाहिए, पहले तो कंप्लीट, इसके बाद भी उद्घाटन होना चाहिए और पहले जो स्थानीय लोग हैं उनका नाम आना चाहिए पट्टी पे, बाहर के लोगों का क्यों? हमारे पंचायत प्रधान जी है उनका नाम नहीं है, उप सरपंच का नाम नहीं है, खाली एक सरपंच का नाम है पंचायत में, और कोई का नाम नहीं है। जो वर्तमान में सरपंच है उनका नाम है ओनली, ओनली नाम है और कोई का नाम, एक का नाम है, लेकिन पहले कंप्लीट होने के बाद उद्घाटन होना चाहिए। रोड तो अधूरी पड़ी है जी। देखिए देखिए ये भी देखिए, बीजेपी की सरकार इतनी जल्दी हो रही है कि कार्य रोड का अधूरा पड़ा है। आप देख पा, कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि आगे का सीन दिखाएं, रोड के ऊपर मिट्टी जमी पड़ी है और अभी विधायक महोदय कुछ क्षणों के बाद यहाँ पधारने वाले हैं। मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं रोड के ऊपर, मिट्टी के रोड पर ढेर लगे हुए हैं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और मंत्री जी यहाँ उद्घाटन करने के लिए कुछ क्षणों के बाद पहुँचने वाले हैं। बीजेपी सरकार उद्घाटन करने में बहुत ही जल्दबाजी इस समय दिखा रही है। उसे कैमरामैन हनुमान गुर्जर के साथ बजरंग सिंह शेखावत।